चुनाव के लिए तमाम चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब बस एक दिन का इंतजार और चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 और अन्य को 4 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों पर अब गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एग्जिट पोल के रुझानों को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि ये तो पहले से आंकड़ा लेकर रख दिया गया था और चुनाव के आखिरी दिन दिखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अफजल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी सुनवा देते हैं। पहले से देखिए, ये कोई नहीं है कि एक बैक, ये सब पहले से बना के रखा गया था, क्योंकि बीच में दिखाया ही नहीं जा सकता। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रोक लगी हुई है। मजबूर हैं आप, अंतिम दिन की पोलिंग के बाद ही दिखा सकते हैं। तो गठरी बना के पहले से रखा हुआ था, जैसे ही पोलिंग हुई फट से दिखा दिया। ये तो न दिखाया जाए तो भगदड़ हो जाएगी, टेबलों पे लोग गणना कराने वाले नहीं मिलेंगे। अगर ये भ्रम न बनाया जाए तो गणना कैसे होगी? सफाया हो चुका है, 400 सीट का दावा था। बहुत से चैनल हैं जो कल तक 400 लेके चले थे, आज वो खुदे 300 पे आ गए हैं। 272 तो कंपलसरी है ना, 543 की लोकसभा में 272 तो किसी के लिए, सरकार बनाने का दावा 272 के ऊपर ही है, 272। वहीं उन्होंने वाराणसी सीट पर प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी सीट को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते कहा कि वाराणसी की लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के बनारस में कांटे की टक्कर है और नरेंद्र मोदी की जीत सम्मानजनक नहीं होने वाली है। जीत भी जाए लेकिन वोट कम आएंगे। पूर्वांचल में बनारस में अभी भी ये कहा जा सकता है कि टफ फाइट है और बहुत बड़ा पद है, नाम है नरेंद्र मोदी का और सारा तंत्र भी लगा हुआ है। फिर भी ये दावा है कि नरेंद्र मोदी अपने पहले पाए हुए वोटों से बहुत नीचे आ जाएंगे। अगर जीत उनके खाते में गई तब भी वो जीत वो सम्मानजनक जीत नहीं होगी जिस पर वो गर्व किया करते थे और शायद अगली बार फिर कभी सोचे ना, ऐसा कम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत से बन रही है और इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीट जीत रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए को कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है, सुनिए। इंडिया की 300 से भी अधिक हो सकती है, एक दो कम हो जाए, एक दो ज्यादा हो जाए। मुझे लगता है कि 225 के आसपास। खैर, इन सारे कयासों पर कल यानी कि 4 जून को विराम लग जाएगा और जनता का फैसला काउंटिंग के बाद सामने आ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को जनता स्वीकारती है और तख्ते पर बैठाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।